కట్టేదానికి నువ్వు పెంచే కుక్కలు ఎన్నైనా రాని సిమ్మ. तो फाइनल दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और एक न्यू वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो फाइनली आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एक न्यू वीडियो जिसमें कि 6 बड़ी फिल्में होने वाली है और सभी की सभी फिल्में OTT पर आने के लिए तैयार हो चुका है और इन सब फिल्मों का रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है। और आपको बता दूं कि इस लिस्ट में से कुछ वेब सीरीज भी होने वाली है और कुछ फिल्में भी है जैसे कि वर्सू, नरसिम्हा रेड्डी और कुछ वेब सीरीज भी है। तो देने वाला हूँ आप सभी को कन्फर्म रिलीज डेट। अगर आप भी जानना चाहते हैं कन्फर्म रिलीज डेट के बारे में और साउथ फिल्मों को देखने के शौकीन रखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लाइक के बटन को दबा करके, तो दबा दीजिए लाइक और सब्सक्राइब के बटन को। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस लिस्ट की नंबर 6 पर फिल्म आने वाली है राणा नायडू जो कि तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म होने वाली है और फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और फिल्म के अंदर हम सभी को राणा दगुपति, दगुपति वेंकटेश और सपोर्टिंग रोल में काफी बेहतरीन कलाकार काम करते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे यह एक वेब सीरीज होने वाली है, फिल्म नहीं होने वाली है और यह वेब सीरीज आपको बता दे तेलुगु के साथ साथ तमिल और कन्नाड़ा में आने वाली है। हिंदी में आने की कम ही उम्मीद है, अभी तक तो ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि यह फिल्म हिंदी में भी आ रही है। उम्मीद रखते हैं कि यह फिल्म हिंदी में भी आए सॉरी वेब सीरीज, और यह वेब सीरीज 10 मार्च को आ रही है नेटफ्लिक्स पर। इस लिस्ट की नंबर 5 पर फिल्म आने वाली है राग कथा प्रकाशन तारीख और यह भी एक वेब सीरीज ही होने वाली है और यह वेब सीरीज 9 मार्च को आने वाली है डिज्नी प्लस हॉट स्टार में। यह वेब सीरीज भी आपको बता दे हिंदी में आने की कम ही उम्मीद है, लेकिन देखते हैं कि यह वेब सीरीज भी हिंदी में आती है कि नहीं डिज्नी प्लस हॉट स्टार में 9 मार्च को। वहीं लिस्ट के 4 पर फिल्म आने वाली है तेलुगु इंडस्ट्री से वल्टेयर वीरैया जो कि मेगा स्टार चिरंजीवी सर की फिल्म है, साथ ही तेलुगु इंडस्ट्री के मास महाराजा रवि तेजा सर की फिल्म भी है और फिल्म के अंदर हम सभी को चिरंजीवी सर के अलावा मास महाराजा, रवि तेजा सर, श्रुति हसन, प्रकाश राज, वेंकटेश, वेनेला किशोर, बॉबी सिम्हा जैसे बेहतरीन कलाकार काम करते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 13 जनवरी को रिलीज हुई थी जो कि तेलुगु के साथ साथ तमिल में भी रिलीज हुई थी, हिंदी में नहीं रिलीज हुई थी। आपको बता दे फिल्म का बजट था 140 करोड़ और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी 233 करोड़ की जो कि एक सुपर डुपर का टैग हासिल कर चुकी थी। आपको बता दे इस फिल्म का OTT रिलीज डेट फाइनल हो चुका है और यह फिल्म OTT पर आने के लिए रेडी हो चुकी है और इस फिल्म का OTT रिलीज डेट होने वाला है 27 फरवरी जो कि तेलुगु के साथ साथ तमिल में भी आने वाली है और हिंदी में भी आ रही है और यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है 27 फरवरी, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। वहीं इस लिस्ट की 3री फिल्म होने वाली है फुली मेका जो कि एक वेब सीरीज होने वाली है, फिल्म नहीं होने वाली है और यह वेब सीरीज एक्शन थ्रिलर होने वाली है। वैसे आपको बता दें यह वेब सीरीज G5 पर आने वाली है जो कि इस वेब सीरीज का रिलीज डेट 24 फरवरी रखी गई है। इस लिस्ट की नंबर 2 पर फिल्म आने वाली है वीरा नरसिम्हा रेड्डी जी हाँ जो कि एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है और फिल्म को डायरेक्शन दिए हैं गोपी चंद, मिली नैनी और इस फिल्म के अंदर नंदमोरी बाला कृष्णा, श्रुति हसन और सपोर्टिंग रोल में काफी तगड़ी कलाकार काम करते हुए नजर आने वाली है सॉरी नजर आई है फिल्म के अंदर। और फिल्म आपको बताते चले 12 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी जो कि तेलुगु के साथ साथ तमिल में भी रिलीज हुई थी और फिल्म का बजट था 110 करोड़ और कलेक्शन की थी 133 करोड़ की जो कि एक सेमी हिट फिल्म साबित हो चुकी थी। तो यह फिल्म OTT पर आने के लिए रेडी हो चुकी है और यह फिल्म OTT पर 23 फरवरी को आ रही है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर, तो देखने में काफी मजा आने वाला है फिल्म को। वहीं इस लिस्ट के नंबर 1 पर फिल्म आने वाली है जो कि इस लिस्ट की सबसे लास्ट फिल्म होने वाली है जी हां, आपको बता दे यह फिल्म तमिल इंडस्ट्री से होने वाली है और फिल्म का नाम होने वाला है वीरसू जो कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट फिल्म साबित हो चुकी थी। जी हां, आपको बता दे इस फिल्म का बजट था 200 करोड़ और कलेक्शन की थी 298 करोड़ की। इस फिल्म को डायरेक्शन दिए है वामसी पदीपल्ली जो कि इससे पहले काफी एक्शन थ्रिलर फिल्म कर चुके हैं और काफी अच्छी अच्छी फिल्में कर चुके हैं जी हाँ। और यह फिल्म आपको बता दे बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में भी रिलीज हुई थी लेकिन हिंदी से उतना खास कमाई नहीं कर पाई थी। तो इस फिल्म का भी रिलीज डेट लॉक हो चुका है और यह फिल्म OTT पर आने के लिए रेडी हो चुकी है जो कि इस फिल्म का रिलीज डेट होने वाला है कल छोड़ के परसों यानी कि 22 फरवरी को यह फिल्म OTT पर आपको देखने को मिलने वाला है Amazon Prime Video पर। तो इंतजार रहेगा इस फिल्म का काफी बेसब्री से और फिल्म आने वाली है तमिल के साथ साथ तेलुगु और हिंदी में भी OTT पर।
तो फाइनल दोस्तों ये थे 6 बड़ी फिल्में जो कि कुछ वेब सीरीज भी थी, 3 वेब सीरीज थी। तो इसी फिल्म के साथ हमारा ये लिस्ट आज का खत्म होता है। वैसे आप इस लिस्ट में से कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या फिर वेब सीरीज का, हमें उस फिल्म का नाम कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप भी OTT पर आने वाली फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अपकमिंग फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।